સંસદ બહાર અને અંદર ભારે હંગામો જોવા મળ્યો. સંસદની અંદર વિપક્ષ અને સત્તાપક્ષ આમને સામને જોવા મળ્યો, ત્યારે બહાર પણ વિપક્ષે મોરચો ઉખોલી રાખ્યો હતો. સંસદની બહાર ગાંધી પ્રતિમા પાસે વિપક્ષના સાંસદો મોંઘવારી તેમજ અન્ય મુદ્દાઓ પર સરકારની સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. તેમની સાથે સંસદમાંથી સસ્પેન્ડ થયેલા વિપક્ષી સાંસદો પણ જોડાયા હતા. સસ્પેન્ડ થયેલા સાંસદોએ માફી માંગવાનો ઇનકાર કર્યો છે અને કહ્યું છે કે તેઓ પોતાનું આંદોલન ચાલુ રાખશે. तो हम लोग क्या गुनाह किया है, इसमें तो कोई गुनाह का बात नहीं है. ये आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो पब्लिक का ग्रीवेंसेस का बात अगर पार्लियामेंट में बोलने से हम लोग का गुनाह होगा तो क्यों माफ़ी मांगेंगे. तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आज माने पूरा देश में प्राइस राइस का इतना माने बढ़ गया है. गरीब लोग दूध में बोलिए, चावल में बोलिए, मुरी मुरी जो मुरी खाता है ना उसमें भी GST लगा दिया है. ये डेमोक्रेसी का हत्या करने का कोशिश कर रहे हैं. हम लोग सवाल उठा रहे थे, हम लोग एक ही बात बोल रहे थे कि 267 में हम लोग ने नोटिस भी दिया है कि डिस्कशन करें प्राइस राइज के ऊपर, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है, पूरा देश का इशू है, गरीबों का इशू है और हम सब इन्वॉल्व है, अफेक्टेड. तो लोगों का जो मांग वो हम लोग पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश कर रहे थे. सिर्फ एक डिबेट ही मांग रहे थे और कुछ